स्वागत है एक बार फिर से शेफ शिरू चैनल में आप सभी का। भाई लॉकडाउन में रेस्टोरेंट्स बंद हैं, बहुत याद आ रही है रेस्टोरेंट की बनी पनीर मशरूम की। देखते हैं कैसे बनता है। फ्राई कर लीजिए नट्स, काजू, बादाम, पिस्ता, रोस्ट कर लीजिए अच्छे से। सरसों का तेल लीजिए, शक्कर डालिए उसमें, नट्स के साथ लहसुन रोस्ट किया है अच्छे से इसको, प्याज बेहतरीन जार में इसको रख करके मसाला तैयार करेंगे, अदरक, हल्का पानी ताकि पेस्ट बेहतरीन कंसिस्टेंसी से बने, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। और आज देखते हैं कैसे बनता है रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर मशरूम घर पे। तेल गरम हो चुका है, शक्कर घुल चुकी है, लाल मिर्च, तेज़पत्ता, तेल में शक्कर का कॉम्बिनेशन बेहतरीन कलर देता है ग्रेवी को, ये सीक्रेट है आपको बता रहा हूँ आज। पिसा हुआ मसाला ऐड करना है तेल में। और अब दूसरा मसाला हम लोग बनाएंगे, टोमेटोज़ लिए हैं फाइनली चॉप, टोमेटो केचप डाला है, चिली सॉस जो बाज़ार का आता है वो थोड़ा डाला है, और बेहतरीन प्यूरी बनाई है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हुआ है। ये देखिए कलर चेंज हो चुका है, वाइट से पेल येलो स्टार्ट हो गया होना, तेज़ आंच में इसको चलाते हुए भूलना है, नीचे पकड़ने नहीं पाए, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। बटर डालना है रिच टेस्ट के लिए, टोमेटो प्यूरी, जब ये पकने से लगे तब टोमेटो प्यूरी इसमें ऐड कर देंगे। देखिए तेल जो है वो छोड़ने लगेगा, देख सकते हैं हल्का रेडिश हो गई थी प्याज तब हमने डाला है टोमेटो। टोमेटो प्यूरी ऐड करने के बाद इसको 5 मिनट पकाना है ताकि टमाटर का कच्चा बन जाए। इस बार मसाले हमने ऐड थोड़ा अलग तरीके से किए हैं, मसालों को लेकर के उसमें पानी मिलाना है और उसको हल्का पानी मिला करके मिक्स करना है। इसी तरह हम सब डालेंगे, हल्दी, सब्ज़ी मसाला किचन किंग या मीट मसाला, कसूरी मेथी, धनिया पाउडर, इसको इस तरह से मिला के डालना है, डायरेक्ट नहीं डालना है। देखिए वैसे तो इंडियन जो भी चीज़ें बनती हैं वो उसमें चीज़ें सेम ही यूज़ होती हैं, जैसे प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, मिर्च, बट उसको किस तरीके से डाल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ तक कि नमक भी हमको घोल बना के डालना है। एक बार ट्राई करिए, टेस्ट आपको बेहतरीन आएगा। अगर आपको खाने में हल्का स्वीटिश पसंद है तो इसमें आधा टेबल स्पून या 1 टीस्पून हनी डाल दीजिएगा। जब ग्रेवी तेल छोड़ दे तब ऐड करिए कैप्सिकम इसमें, और लगभग 1 कप दूध। कलर आप देख सकते हैं, बेहतरीन होटल स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल कलर आपको दिख रहा है। अब आंच कम कर दीजिए और पकने दीजिए इसको 10 मिनट। देख सकते हैं किस तरह से ग्रेवी तैयार हो गई है, खुशबू भी देने लगी है। अब ऐड करिए इसमें मशरूम और पनीर के टुकड़े। ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी हो ही चुकी है, और मिक्स करने के बाद इसे हल्का सा पानी डाल के कसूरी मेथी डालना है। कसूरी मेथी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा देती है, और 10 मिनट ढक के पकाना है सिम में, लो फ्लेम में। ये देखिए आपकी शानदार पनीर मशरूम तैयार है। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी डिट्टो रेस्टोरेंट स्टाइल है। गार्निश करिए इसको कोरिएंडर लीव्स के साथ, थोड़ा सजा करके बेहतरीन पेश करिए। तो क्या हुआ, लॉकडाउन है, शौक है तो खाना भी बेहतरीन तरीके से घर पे ही बना के खाया जा सकता है, इसे ट्राई करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बनाइएगा ज़रूर, आपके एक्सपीरियंस को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक सब जगह हैं, प्लीज़ फॉलो अस, सब्सक्राइब करिए चैनल यूट्यूब में। आपके लिए बहुत जल्द आपके लिए लेकर के आएंगे एक नई डिश शेफ शिरू में। धन्यवाद।